हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज से मेरे व्रत स्टार्ट होने वाला है। ये निभी के लिए टिफिन है और ये मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी। एंड मैं यहाँ पे ओनियन वाला पकोड़ा बना रही हूँ, सोयाबीन पकोड़ा, और मेरा बिना ओनियन के पकोड़ा, हाँ पकोड़े वही ना। तो ये बन चुका है, एक में है मेरे और दूसरे कटोरे में है दीबा या निभी के लिए, और ये हबी के लिए मैंने ब्रिंजल बॉयल करके रख दिया है। रात को और एक बना दूँगी सब्जी उनके लिए, तो वो खा लेंगे। एंड कल मैंने सोयाबीन भिगो के रखी थी कि ये सोचा कि भरता बना के खाऊंगे, मतलब कि सलाद बिना फर्मेंटेड फ़िश ऐड किए, लेकिन बनाना हुआ ही नहीं क्योंकि हबी ने हिलशा फ़िश ले आए थे और सोयाबीन को कौन ही पूछते अगर घर में हिलशा फ़िश आ गए होते। आ गया है तो सोयाबीन को कौन ही पूछेगा, है ना, इसीलिए नहीं बनाई। मैं खुद पूछने वाली नहीं थी सोयाबीन को। और देखिए आज है नवरात्रि का प्रथम दिन, यानी कि आज का कलर ऑफ द डे है वाइट, तो मैंने वाइट पहन लिया है। देखिए ये मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना, लग तो रही हूँ ना खूबसूरत। अच्छा वो कुछ भी हो, खूबसूरत तो सारे लोग होते हैं, सारे इंसान होते हैं, सारे जीव जंतु होते हैं, इसमें क्या है, है ना। तो फिर क्या बता रही थी मैं, हाँ इस बार मेरा स्थूल पूजन नहीं हो रहा है, मानसिक पूजन हो रही है। यानी कि मानसिक पूजन के बारे में मैं अलग से बाद में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ब्लॉग बना दूंगी। वैसे तो मानसिक पूजन के बारे में सबको पता ही होगा, है ना, तो इतना भी डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक पूजा वो होती है जिसमें आप पूजा पाठ ऐसे प्रसाद वगैरह मोमबत्ती वगैरह ऐसे ना जलाकर नहीं करते, लेकिन आप मतलब प्रसाद वगैरह अर्पण करके धूप दीप जला के वो वगैरह पूजा पे नहीं बैठते आप। आपको मन ही मन दिमाग से अंतरात्मा से आपको पूजा आराधना अर्चना करनी होती है, वही होते हैं मानसिक पूजन, है ना। तो जिसमें पूजा के सामान वगैरह मतलब आपको छूने की या कुछ ऐसे कार्य करने की ज़रूरत नहीं होता, सिर्फ मानसिक कार्य करने की ज़रूरत होता है, फिजिकली कार्य करने की ज़रूरत नहीं होता, यानी कि पूजा के कार्य। तो मुझे लगता है मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को, हिंदी में समझाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।